सबका अपना दिमाग है जो जैसा सोचे। चलो आपने क्या कुछ अपडेट है अभी तक? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और जैसे कि आप सभी ने फर्स्ट क्लिप को देखकर ही समझ गए होंगे कि आज मैं किसके बारे में बात करने वाला हूँ। सो गाइस, आप सभी को पता होगा कि एलविस यादव के ऊपर कितना ज्यादा फेक एलिगेशंस लगाया गया था कि वो सांपों का जहर बेचता और कुछ। और गाइस, इस चीज को बहुत बड़े बड़े न्यूज चैनल ने भी चलाया था। तो गाइस यार, ये चीज सारा फेक था। और गाइस यार, इस चीज को लेकर डीजे मॉडल का एक पॉडकास्ट वीडियो आया है जिसमें कि सारा कुछ क्लियर कर दिया, यानी कि उस चीज के ऊपर पूरा प्रॉपर ओपनली रिप्लाई दिया है। और गाइस, एलविस यादव का इस केस को लेकर पुलिस की तरफ से नोटिस आया है। और गाइस यार, पुलिस ने क्या रिप्लाई दिया है, चलिए सबसे पहले मैं आप सभी को इन चीजों का पार्ट दिखाता हूं। उससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो इस वजह से हो रहा है मेरे ख्याल से, मतलब जो भी ऊपर बढ़ता है ना, मतलब चढ़ता सूरज सबकी आंखों में खटकता है। और जो पहले से पावर में बैठे वो नहीं देख सकते ना आपको कि आप उनसे बड़े बन रहे हो, तो फेक चीजें मार्केट में छोड़ देते हैं डिफेम करने के लिए। बट ऐसा है नहीं, जो जिसका नाम है वो बदनाम है, यही बात है जी। सही बात है, जब लोग एक मुकाम पे पहुंच जाते हैं तो बहुत लोगों को देखा नोटिस की जाती है छोटी छोटी चीज भी ना, तो कुछ कह नहीं सकते। अब जनता का मुंह है, सबका अपना दिमाग है जो जैसा सोचे। बट जो उनको पर्सनली जानते हैं उनको पता है कि वो कितने बढ़िया बंदे हैं। क्या कुछ अपडेट है अभी तक? एक मामला हुआ था कुछ दिन पहले जिसमें 9 स्नेक बरामद हुए थे और वेनम बरामद हुआ था। उस केस में अभी रिसेंटली पुलिस को 5 अभियुक्तों की पीसीआर मिली थी जो खत्म हुई, और पुलिस ने फिर से पीसीआर के लिए अप्लाई किया है। इसके अलावा लगातार साक्ष्य इकट्ठे किए जा रहे हैं और ताकि विधिक कार्रवाई पूरी की जा सके। सर, कुछ तथ्य भी मिले हैं अविश के खिलाफ? नहीं, इस बारे में अभी कमेंट नहीं किया जा सकता, ये विवेचना का पार्ट है। और सभी पहलुओं पर जाँच चल रही है, जो भी एविडेंस बनेंगे। ऑलराइट गाइस, होप कि आपने वीडियो को पूरा देख लिया। और गाइस, वीडियो को देखने के बाद इस चीज के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है, और आप सभी को क्या लगता है कि एलविस यादव का जो एक केस है, आप सभी को जो कुछ भी लगता है आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। सो गाइस, अभी के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।